बहुत अच्छा शहर में रहते हैं, गांव में आ जाते हैं, तो हमारे मन में ही ये स्पष्ट अंतर आ जाता है कि शहर और गांव में क्या अंतर है। लेकिन ये केवल और केवल ये पिछड़ा झारखंड राज्य का ही ऐसा दशा है। अगर आप यहां से सिर्फ 6 किलोमीटर दूरी पर उड़ीसा बढ़ रहे हैं, उधर से भी 7 किलोमीटर दूरी पर उड़ीसा बढ़ रहे हैं, आप बंगाल में चले जाइए, सीमा में आप जाते ही बंगाल से भी ज्यादा उड़ीसा में आप विकास देखेंगे। क्या पहले तो सड़क का रंग जो अलकतरा लगा वो कलर ही अलग होता है, लगता है कि ज्यादा ब्लैकी से टूटी फूटी सड़कें कहीं कभार मिलेगी, मिलती नहीं है टूटी फूटी सड़कें। आपको छोटे छोटे गांव में भी, यहां से आपको बहुत नजदीक में आपको इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा, आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलेगा, डिग्री कॉलेज मिलेगा, इंटर कॉलेज मिलेगा, यानी कि एजुकेशन को इतना बढ़ाया जाए। वहां का स्कूल आप देखेंगे तो हमेशा जो है रंग रोगन रहता है, स्कूल के सामने बगीचा छोटा मोटा हमेशा रहता है, ठीक है। यानी कि लोगों को प्राथमिकता दी जाती है कि लोग शिक्षित बने, लोग संस्कारी बने। जहां शिक्षा और संस्कार दो चीजों का संयोग बन जाता है वहां विकास और उन्नति बाध्य होती है। हमारे यहाँ संस्कार की कमी है, हम तो जो मानवता शिक्षक को ही बोल सकते, बोल देते हैं ना, हाँ। बहुत लोग अपने लोगों में से है शिक्षक को बोल देते हैं कुछ ना कुछ, अपने माँ पिताजी को बोल देते जो हमको जन्म दिया है उसको भी बोलने में कुछ हम हिचकता नहीं है। हमको कहते हैं बच्चा कि हम हक कहते, हमें इतनी बड़ी उनके हाथ में माता पिता के सामने यूँ कहते। तो इसका अर्थ है कि हमारा संस्कार में इस प्रकार की मस्तिष्कता है जिसके कारण जो है हम अपना भविष्य को सही ढंग से स्थापित करने में अक्षम। मेरा यहाँ जो आप लोगों को दोबारा हम कहने के लिए आए हैं वो ये है कि जहां अच्छी शिक्षा मिले, जहां अच्छी संस्कार मिले, वहां भूगोल क्या करेगा। आप दुनिया के कठिनतम जो भाग है, कठिनतम जो देश है, वहां जो उन्नति हुई है, एक छोटा सा देश जो है सिंगापुर, कितना क्षेत्रफल है जमशेदपुर शहर से कम, कितने लोग हैं जमशेदपुर से कम, लेकिन प्रति व्यक्ति आय कितना है विकसित देशों की समान, विकसित देशों के लोगों की जितनी आय होती है, विकसित देशों के लोग यहाँ के प्रति व्यक्ति आय कितना है लगभग बोलिए, यहाँ का प्रति व्यक्ति आय कितना है, पोस्ट ग्रेजुएट है 5,000 होगा ग्रामीण क्षेत्र में, या प्रति व्यक्ति औसत आय बोलो, तुम्हारा 50,000 हो सकता है, मेरा 1,00,000 हो सकता है, औसत बोलो, आश्चर्य हो जाओगे सुन करके कितना है प्रति व्यक्ति आय। जब आप इनकम टैक्स बना, इनकम सर्टिफिकेट बना जाते हैं तो पता चलता है ना कि प्रति व्यक्ति आय कितना है, कितना है, एपीएल बीपीएल सब बनता है ना जी, तो कैसे बनता है सब, कितना इनकम है प्रति व्यक्ति आय कितना है, गांव में रहने वाले लड़के समझते होंगे कोई नहीं है, 250 से 300 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की बात होती है, जानते नहीं, बैठो चुप बैठो, पहले बैठो, 30,000 प्रति व्यक्ति वर्तमान में सरकार की मात्र नहीं, प्रति व्यक्ति झारखंड का आय वर्तमान में मात्र 4200 है वार्षिक, वर्ष में एक व्यक्ति की आय 4200। आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा, अगर मैं भेज दूं, अभी सेकेंड ईयर में ऐसा है इसलिए मैं प्रैक्टिकल कराना चाहता हूं, अगर मैं गांव में भेज दूं आप गांव में 10 व्यक्ति से बात करें तो 10 व्यक्ति में कम से कम 5 व्यक्ति प्रतिदिन एक बार भरपेट जो भोजन करता है, बाकी वो आंशिक करता है। हम लोग क्या करते हैं, भरपेट खाने से तो और पेट इतना बड़ा हो जाए, हम लोग खाना ही नहीं खाते, कम कम खाते हैं, इतना खाना हम लोग पास, अब उसके पास खाना ही नहीं, हाँ बोलते फेंक भी देते हैं। तो ये सब प्रैक्टिकल बातें बहुत सारी है। और सिंगापुर की प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय मिनिमम जो है वो $2,500 है,
एक डॉलर का कीमत कितना है? 60 रुपया। सोच सकते हैं कि कैसे लोग वहां हैं। प्रति व्यक्ति औसत आ, यानी कि जो हमारे यहाँ इंजीनियर मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है उनका भी उतनी आय नहीं है जितना वहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम यहाँ के लोगों की आय वृद्धि में कैसे सहभागी बनेंगे। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे का अर्थ ही है, सोशियो इकोनॉमिक स्टडी का अर्थ ही है कि हम ऐसा क्या करें। आप छोटा छोटा मैं उदाहरण दे रहा हूं, हमारे यहाँ गांव के बहुत बच्चे बैठे हुए हैं और अगर उस चीज को भी हम बढ़ावा दें तो बहुत अच्छा लगेगा। एक पपीता का पौधा कम से कम वार्षिक, कम से कम वार्षिक 1000 रुपया दे सकता है, कम से कम। एक अमरूद का पौधा कम से कम 5000 इनकम दे सकता है, ठीक है। एक कुंदरू का पौधा, उसका वार्षिक फल होता है, 2-3 महीना बंद होता है, कम से कम वो जो है 5000 इनकम दे सकता है। लेकिन वो सभी परंपरा अभी गांव में कम हो रही है, वो सब बागवानी की ओर चली गई। लोग जो हर घर में इस प्रकार की एक किचन गार्डन होता था उसके अभाव हो गया, उसकी कमी हो गई। पहले जो है आपके घर में कुंदरू हुआ है हम ले आए, उसके घर में साग हुआ है हम ले आए, उसके घर में करेला हो रहा है हैं हैं एक जन का ऐसा स्थिति था। और उस समय वे आय के प्रति इतना रुचि नहीं रखते जितना संबंध के प्रति रखते, रिलेशनशिप को, पड़ोसीपन को ज्यादा ध्यान देते। आजकल पड़ोसीपन चिटकनी है, चिटकनी लगा दो पड़ोसी से कोई पड़ोसी से लड़ा देना है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो जब हम अपने पड़ोसी को ही विश्वास नहीं करते हैं, सहज भाव से नहीं लेते हैं, तो हमारे ऊपर क्या संस्कार आए कि हम गांव के लोगों को जो अपना अपनत्व देंगे, कैसे होगा, संभव है? तो हमको ऐसी संस्कार चाहिए, हमको ऐसी संस्कार चाहिए कि हम सबों को अपना सके, हम उसकी बुराइयों को दूर करने में, उसकी कठिनाइयों को दूर करने में उसकी जो है हम प्रोत्साहन करें। मैं लोगों को हमेशा ये सब बातें करता रहता हूं, आप बाजार में जाइए 40 रुपया किलो कुंदरू मिलेगा, 40 रुपया किलो जो है ये पपीता मिलेगा, लेकिन वो फोकट का खेती है, एक बार लगा दीजिए उसको व्यवस्था कर दीजिए फल रहा है 2-4 वर्ष, है ना। और उसकी जब बागवानी बंद हो गई उसमें क्या कर रहे हैं हम, फर्टिलाइजर दे रहे हैं जल्दी से जल्दी, ज्यादा ज्यादा बड़ा बड़ा आकार, उसका रंग देखो बाजार में किस तरह का रंग आ रहा है ना, उसको इंजेक्शन फोड़ दो तो उसका सब जो है पीला अपने आप हो जाएगा, इतना कच्चा रहे अंदर देखो पूरा कच्चा है, हम लोग केला खाए ना, हाँ पूरा पूरा कच्चा है। बाजार से लाए, अपना घर का है क्या, घर का है क्या, क्या घर का केला इतना मीठा होता है पकने से कल्पना भी हम नहीं कर सकते, और एक दिन में पकता भी नहीं, वो ऊपर से पकते पकते दो चार होते होते और यहाँ क्या आता है कार्रवाई, ऊपर झाड़ दो कल सवेरे पका दे, हो गया। जैसे अभी बच्चे लोग पक जाए लगता है कि उनको भी कार्रवाई दिया था, कार्रवाई में क्या है, चाउमीन है, चिप्स है ना, गोलगप्पा है, अभी तक इस बैच में एक्स्ट्रा जो होता है ना प्रतिभा का पता नहीं चला है, तो चलेगा, बहुत बड़ा मंच है, वो तो मंच होगा उसका, हम उसका पहले ही उसको प्रोग्राम कर चुके हैं, बताएंगे उसको अच्छा से नाम देंगे, है ना, और सब कुछ जो है होगा, उसका टाइम है 12 बज ही रहा है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि हमारे बच्चे भी बहुत जल्दी जो है पक जा रहे हैं, उनको उनके पास ऐसी ऐसी ज्ञान आ जा रहा है जो आना नहीं चाहिए, जिस उम्र में जिस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए वो बुला दे रहा है, क्यों बताइए, उसके पीछे कारण क्या है, माँ के पेट से ही वो हाथ मिलाना सीख गया है। बच्चे एकदम छोटे, मेरे मेरे नाती जो है 2 साल नहीं हुआ अपना फोन लगा देता
सच्चाई बताना है ना। तो आपको जो जिस उम्र में जिस ज्ञान का प्राप्ति होना चाहिए वो नहीं है। आपको इस उम्र में क्या ज्ञान प्राप्त होना चाहिए? रिसर्च नॉलेज, खोज की ज्ञान। सर एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किए थे, उसके आगे मैं बता रहा हूं। ये ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन करो, इन्वेंशन करो, एनालिसिस करो, डिस्क्रिप्शन करो, ये उम्र आपका। हम लोग आपको उत्तर देते थक जाते, आपका उत्तर देने में हमारी क्षमता जो है रोने लगती, लेकिन हम लोग कुछ पूछते हैं तो आप लोग रोते हैं, सामान्य बात पूछते हैं तो आप लोग रोते हैं। तो आपको उम्र का ज्ञान नहीं है कि हमको इस उम्र में क्या विद्या, क्या ज्ञान हमको प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि वीरेंद्र सर आपका तबीयत खराब है तो मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहा हूं, है ना। तो आपको इस उम्र में आप लेखक जैसा, भूगोल का लेखक जैसा आपको परिचर्चा होनी चाहिए। दोनों सर जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्या मेहनत कर रहे हैं? तो ये उसी बात को सीखने के लिए बहुत सारा ये संगोष्ठी वगैरह हमेशा नियमित आते रहते हैं। मैं उनको डांटता रहता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ काहे ऐसा करते हैं ना। मैं जिस दायरे में कहता हूँ वो समझते हैं उस बात को। तो उनकी इच्छा है कि हम जो है कहीं जाएं, कहीं इस प्रकार की बातों को सीखें, कुछ करें। भविष्य में ईश्वर अगर चाहता उन लोग अच्छा करेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि आपकी जो उम्र है, हम लोग जो एक बार कुछ एक बार कहते हैं 10 कदम बढ़ के आपको करना है, ये आप में क्षमता होनी चाहिए। किसी का क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, किसी पर रोब दिखाना नहीं चाहिए। रोब से विद्या नहीं होती है। विद्या का अर्थ होता है विनय। जिसके पास विनय होता है वही विद्या ग्रहण कर सकता है। जो तर्कबाज होता है वो विद्या कभी नहीं प्राप्त कर सकता। विद्या बहुत बड़ी है, विद्या आसान नहीं है, विद्या सबको नहीं नहीं मिलता है। तब तो अनिल अंबानी विद्या को अपना घर में सजो कर रहा था। देखते ना बेटा इतना मोटा बेटा हुआ है, उसको विद्या होता नहीं, हो गया ना। नहीं वो भी उसके लिए भी जो क्या आप लोग जानते हैं। तो कहने का अर्थ है कि विद्या सबसे नहीं होती, विद्या साध्या स्वाध्याय है। स्वाध्याय समझते हैं? स्वाध्याय का अर्थ होता है कि परिश्रम, तपस्या। विद्या तपस्या से होती है, यह विद्या स्वाध्याय से होती है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत सुंदर जगह है, इकट्ठे आप लोग बहुत शांति से बैठे हैं, हम लोगों को आज कोई चिंता नहीं है। भोजन जो है हम लोग भगवान यहाँ पर सबके लिए सुनिश्चित कर दिए हैं ईश्वर, ये आप लोगों की व्यवस्था है। और हम लोग बहुत सारी बातें, अभी एक बुजुर्ग शिक्षक आ रहे हैं और संजोग ही ऐसा था कि हम लोग सबको इकट्ठा नहीं कर पाए, जितने भी कोशिश किए। मैं तो अच्छे अच्छे लोगों से जो आप लोगों की वार्तालाप करा के, अगर ऐसा संजोग मिलेगा, बहुत कम पैसा में ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, अगर चाहेंगे तो नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे इस तरह से अच्छे प्रोग्राम समय लेकर के करेंगे, ठीक है ना। तो हम और आगे एक बात बता देना चाहते हैं, जब आप इसको लिखेंगे तो लगे कि पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थी लिख रहा है, वो फोटो कॉपी वाला नहीं। चले गए पॉपुलर में वो जो 2G प्रोजेक्ट है, 250 वो मैं देखूंगा तो मैं 300 किलोमीटर उसको फेंक दूंगा, वहां से खरीदना हरिणा पहुंचेगा, है ना। किसी का ऐसा नहीं होना चाहिए। सब अपने मन से 4 ही लाइन लिखे, अपने मन से, ठीक है ना, 4 ही लाइन लिखे, लेकिन अपने मन से लिखें। जो यहाँ से फोटोग्राफी लिए, जो आप ड्रॉइंग बना सके उसी को लिखे, ठीक है। और उसका एक कॉपी आप बना के अपने घर में रखें, उसको स्थायी रूप से रखेंगे, वो संपत्ति होता है। मेरे पास जाएंगे कभी, मेरा अभी तक जो है ग्रेजुएशन का है, कितना वर्ष होगा उसका उम्र, आप लोग पैदा नहीं हुए, ये लोग भी नहीं हुए, ठीक है। तो कहने का अर्थ ऐसा संपत्ति होता है, विद्यार्थी की संपत्ति जो है यही सब है। दूसरी बात है कि हम लोग जब इसको लिखने के प्रारंभ करेंगे तो एक दूसरे का सहयोग लेंगे, ठीक है। कोई चीज भुला रहे हैं, कोई चीज जानकारी नहीं पा रहे हैं, तो शिक्षक से अथवा लेके कोई पे आ रहे हैं। हाँ सर, हेलो, थोड़ा सा रुक जाए, देख सकते हो वीडियो शुरू करते हैं। हम थोड़ा यहाँ थोड़ा शुरू करके देखें।